ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर के तत्वावधान में जन जन को स्वस्थ बनाने के लिए, निरोग और निरामय रखने के लिए यह संस्थान लगातार मील का पत्थर साबित होता हुआ। अभी आपको मैं किस प्रकार से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल रीजन में होने वाले तकलीफ को, परेशानियों को, दर्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आराम आराम से इसको करते हैं धीरे धीरे से, हाँ कम से कम तीन तीन चार चार स्टेप जिस प्रकार से घुमाया जा रहा है ये अभ्यास करते हैं, आराम आराम से करते हैं। जब भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो तो हड़बड़ा के नहीं करना है, आराम आराम से करें, तीन तीन बार करें, बहुत अच्छा, हाँ बहुत सुंदर अभ्यास। इस अभ्यास को तीन तीन बार करेंगे, फिर इस हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे और नीचे की ओर लाएंगे, हाँ खोल खोल करके इस प्रकार से ऐसे ऐसे इस अभ्यास को करना है। हाथ को यहाँ रखेंगे दोनों कंधे पर और हाथ ऊपर ले जाइए और फिर कंधे पर ले आइए, हाँ ये अभ्यास तीन से चार बार करेंगे, सीधा ऊपर उठाएंगे और ऊपर जो हाथ ले जा रहे हैं नज़दीक ले आइए, हाँ सटाइए, तीन से चार बार करना है इस अभ्यास को, बहुत अच्छा। और अब एक हाथ को आगे की ओर लाएंगे सामने की ओर और ऐसे ऐसे घुमाएंगे इसको, एक हाथ कंधे पे रखिए, हाँ बहुत अच्छा, बाएं दाएं करेंगे, गर्दन भी घुमाएंगे उस प्रकार आराम से, जिधर देर हाथ ले जा रहे हैं उधर गर्दन भी घुमा रहे हैं, बहुत अच्छा, हाँ तीन से चार बार। और दूसरे हाथ से फिर करेंगे, एक हाथ को रख लीजिए कमर के पास, हाँ सांस खूब भरना है और सांस भरते छोड़ते हुए इस अभ्यास को नियमित रूप से आपको करना है चार से पाँच बार। तो गर्दन में दर्द जब हो जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाती है और मेरुदंड के ऊपरी हिस्से में समस्या होने से पूरा दोनों बाँह जो है अंगुलियाँ तक, दोनों हाथ के दोनों अंगुलियों तक, पूरा बाँह केहूने सब इसमें धीरे धीरे झिनझिनी आने लगता है, सुन्नापन आने लगता है, उसमें ताकत कम आने लगती है। अब एक एक हाथ को गोल गोल घुमाइए ऐसे ऐसे, हाँ आराम आराम से, देखिए किस प्रकार से हाथ को घुमाते हैं और बहुत अच्छा। पांच बार घुमाइए क्लॉकवाइज, पांच बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, हाँ सांस को भरते छोड़ते रहिएगा, फिर उल्टा घुमाइए उसको। इन अभ्यासों को करके हम इस खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। फिर दूसरे हाथ से करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, बहुत सुंदर अभ्यास। इसमें देखना पड़ता है कि ऊपर जब हाथ ले जाते हैं तो बाँह हमारे कान के पास से गुजरता हुआ और नीचे जब जाएंगे तो कमर के पास से बाँह गुजरता हुआ ऐसा महसूस होगा। अब दोनों, बहुत अच्छा, उसको उल्टा कर लीजिए, हाँ अब दोनों हाथों को आगे हम सटाएंगे और ऐसे ऐसे फैलाएंगे, आगे सटा लीजिए दोनों हाथों को, सटाइए और पीछे की तरफ खोलिए दोनों को पांच बार, पूरा खोलिए, हाँ एक दो तीन चार पाँच। अब दोनों हाथों को एक साथ आगे जांघ पे रख करके और ऊपर नीचे की ओर करेंगे, ठीक ले जाइए ऊपर, बहुत अच्छा अभ्यास, लगातार करें पांच बार कम से कम, साइड से भी कर लेंगे इसको। अब एक हाथ को कमर के पास रखेंगे और दूसरे हाथ को इस प्रकार लगाकर और बहुत अच्छा माथे के ऊपर या माथे के पार कर देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, इधर बहुत सुंदर, हाँ पांच बार करिए, खूब सांस भरिए छोड़िए। अब दूसरे हाथ से करिए, बहुत सांस को भरिएगा, सांस लेने में कभी कंजूसी नहीं करना है क्योंकि प्राणों के द्वारा ही अभ्यास ज़्यादा लाभकारी होगा। अब दोनों हाथों को इस प्रकार करेंगे, दोनों हाथ को इस प्रकार करके और क्रॉस जाने देंगे, हाँ केवल आपस में टकराएगा नहीं ऊपर हाथ, बहुत सुंदर, पांच बार करिए, खूब सांस भरिए छोड़िए, ये हाथ को सीधा रखना है, ये आपका जो बाँह है ये सीधा रहेगा और पीछे की तरफ इसको ले जाना है, हाँ आराम से मोड़ना है जितना आपको मुड़ सके। अब
इसी क्रिया को 5 बार दाएं से और 5 बार बाएं से, इस हाथ को कंधे के बराबर और थोड़ा ऊपर रखिए, घुमाइए पूरा वो बढ़िया, देखिए किस प्रकार से हम घुमाते हैं, पूरा आपका मेरुदंड मरोड़ता है और स्पाइनल प्रॉब्लम को भी दूर कर सकता है ये अभ्यास, क्योंकि जब इसको हम मरोड़ते हैं तो जैसे कपड़ा को धो करके जब निचोड़ते हैं तो पूरा कपड़ा ऊपर से नीचे तक निचोड़ाने के बाद उसमें से बूंद बूंद तक पानियाँ भी पानी निकल जाते हैं। अब हम इस अभ्यास को करने के बाद दोनों हाथों को कमर के पास रखेंगे और गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ झुकाएंगे 3 बार करिए, बहुत अच्छा। हाँ देखिए इसमें क्या स्थिति है कमर की। हाँ जब भी आपको सर्वाइकल की समस्या हो या स्पाइन की प्रॉब्लम हो तो आगे नहीं झुकते हैं, सावधानी बरतते हैं, ठीक पीछे की तरफ ले जाते हैं। 3 बार करिए इसको, गर्दन को खींचिए, ये गर्दन पे खिंचाव आना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा अभ्यास, खूब सुंदर। 3 बार करेंगे, सांस को भरते हुए पीछे की तरफ, सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाएंगे। हाँ आप देख सकते हैं कि कैसे हम हथेली को कमर के पास रखते हैं, और अगले अभ्यास में आप दोनों हाथों को आगे सीने के पास रह करके ऐसे सटाइए इस प्रकार से। हाँ और अगले अभ्यास में दोनों हाथों को हम आगे सीने के पास रख लेते हैं और सावधानी के साथ समर्थ के अनुसार आराम आराम से पीछे की ओर झुकते हैं और फिर पुनः वापस आ जाते हैं, ठीक। गर्दन को नहीं झुकाएंगे, सीधा हो जाएंगे और पुनः पीछे की तरफ झुकिए, 3 बार करिए इसको, पीछे की तरफ जाइए। देखिए किस प्रकार से शरीर अर्धचंद्राकार हो रहा है, पूरा पूरी रीढ़ की हड्डी मुड़ रही है। एक बार और करेंगे, हाँ आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक कैसे धनुष की आकार का शरीर बन जाता है इसमें, और ये सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस के लिए और मेरुदंड के लिए बहुत ही। अगले अभ्यास में अभी हम क्या करेंगे कि वहीं पर बैठ जाइए, घुटने के बल बैठ जाइए और वज्रासन में आ जाइए, और आने के बाद आप वहीं पर घुटने के बल खड़े हो जाइए, ठीक। और एक हाथ को पीछे की ओर ले जाइए और एड़ी पे रखिए आराम आराम से। हाँ ये उष्ट्रासन का अभ्यास, और गर्दन को पीछे की तरफ झुकाइए, इसी में थोड़ा देर होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाएंगे। हाँ और एक बार पुनः इस अभ्यास को करेंगे, आराम से करते हैं, झटका नहीं देते हैं, आराम आराम से गर्दन को पीछे लटकाइए और 5 सेकंड रुकिए, 1, 2, 3, 4, 5, फिर वापस आ जाइए। अब आराम से बैठ जाइए, और अभी आपने देखा कि छोटे छोटे अभ्यासों को कैसे हम करते हैं और स्पाइनल की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। अगला अभ्यास, लेट जाइए पीठ के बल और पैर मोड़ लीजिए और हथेली से एड़ी को पकड़ लीजिए, कमर को उठाइए, सेतु बंध आसन, इसे हम 3 से 4 बार करेंगे। सांस भरते हुए कमर को उठा के रखते हैं और मन ही मन गिनती गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, फिर वापस करते हैं, कमर को नीचे ले जाते हैं ज़मीन में और फिर इस क्रिया को दोहराते हैं। उठाइए, 1, 2, 3, 4, 5, फिर धीरे धीरे वापस लाते हैं। इस अभ्यास को हम 4 से 5 राउंड करते हैं, और अभी आपने जो अभ्यास देखा है ये विशेष करके स्पेशली जिनको सर्वाइकल की समस्या है, गर्दन दर्द है, जिनको बाँह में झंझनाहट, बाँह ऊपर नहीं नीचे हो रहा है, साथ ही साथ उनको पूरे मेरुदंड में कहीं पर भी समस्या हो, चाहे L1 से L5 की समस्या हो, चाहे आपको कमर दर्द ही क्यों ना हो, गर्दन दर्द ही क्यों ना हो, उसमें इस अभ्यास को करके आप आसानी से
आप लेकिन लगातार करना पड़ेगा आपको और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ब्रिजमोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स जरूर करेंगे और इस यात्रा को योग की गंगा को घर घर तक हम इसे प्रवाहित कर सकें पहुंचा सकें। तो आइए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए धन्यवाद।